नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को BTC सेकंड सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय के कुछ इंपॉर्टेंट दीर्घोत्तरीय तथा अति लघुत्तरीय प्रश्न बताऊंगा। तो इसके लिए मेरे वीडियो को एंड तक देखिए, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, गुप्त काल की साहित्यिक प्रगति का उल्लेख कीजिए। गुप्त काल की साहित्यिक प्रगति का उल्लेख कीजिए। देखिए, क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2016 में पूछा भी गया है। तो देखिए, साहित्यिक उन्नति, गुप्त काल साहित्यिक उन्नति का एक युग था, डॉक्टर त्रिपाठी ने लिखा था। यह स्वाभाविक ही था कि इस सुरक्षा और सांपातिक समुन्नत की दशा में धर्म, साहित्य, कला तथा विज्ञान के क्षेत्रों में सक्रियता बढ़े और उन्नति हो। वास्तव में इन प्रत्येक क्षेत्रों में गुप्तों के शासनकाल में अभूतपूर्व उन्नत हुई। गुप्त वंशीय शासक तलवार के धनी होने के साथ साथ स्वयं भी विद्वान थे तथा विद्वानों को आश्रय व प्रोत्साहन भी देते थे। उनकी इस प्रेरणा के कारण गुप्त काल साहित्य की दृष्टि से चरमोन्नत पर पहुंच गया। गुप्त शासकों ने राष्ट्रीय भाषा के रूप में संस्कृत को गौरवान्वित किया। गुप्तों के संरक्षण में संस्कृत भाषा और उसका साहित्य जिस रूप में विकसित और उन्नत हुआ, वह अद्वितीय था। गुप्त युग के अभिलेखों से पता चलता है कि गुप्त युग के पंडित व साहित्य सेवी संस्कृत पद्य और दोनों के रचना शिल्प के सिद्धहस्त और कुशल काव्यकार थे। काव्य के इस कौशल को अनुप्रेरित, अनुप्राणित और उत्थित करने का श्रेय विद्या अनुरागी गुप्त सम्राटों को ही है, जिनके प्रश्रय और संरक्षण में लक्ष्मी ने सरस्वती से अपना परंपरागत विरोध त्याग दिया। फिर देखिए आगे, गुप्त युग की काव्य, तो देखिए रचना की शैली अत्यंत सुघड़, सुंदर और ललित थी, और भाषा सुरम्य एवं अलंकार पूर्ण थी। गुप्त शासकों के राज दरबार में अनेक कवि और विद्वान रहते थे। देखिए, गुप्तकालीन प्रमुख विद्वान हरिसेन, जो प्रयाग प्रशस्त के रचयिता थे, विशाख दत्त मुद्रा राक्षस के जो लेखक थे, विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक थे, वसुबंध, वराह मिहिर, भास, भारव, शूद्रक, दंडिन, अमर चांद्र व ज्ञानेंद्र हैं, जिन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना कर गुप्तकाल को साहित्यिक उन्नति की ओर अग्रसर किया। गुप्तकालीन विद्वानों में सर्वोपर स्थान कालिदास का है, जो संभवतः चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। कालिदास ने शकुंतला, मालविकाग्निमित्र और विक्रमोर्वशीयम नामक तीन नाटक, कुमार संभव व रघुवंश नामक काव्य, ऋत संहार नामक गीत काव्य तथा मेघदूत नामक खंड काव्य की रचना की। कालिदास निश्चित रूप से भारतीय काव्यात्मक शैली के सर्वोच्च विद्वान थे। डॉक्टर RC मजूमदार ने उसकी प्रशंसा करते हुए लिखा है, कालिदास गुप्त युग के साहित्य आकाश का सबसे चमकदार नक्षत्र है, जिसने संपूर्ण संस्कृत साहित्य पर प्रकाश डाला है। वह सर्वसम्मति से महानतम कवि और नाटककार था तथा उसकी कृतियाँ सभी युगों में अत्यंत प्रसिद्ध व लोकप्रिय रही हैं। गुप्त काल में ही अनेक पुराणों की रचना हुई तथा अनेक स्मृतियों को नवीन रूप प्रदान किया गया। इसी युग में अनेक दार्शनिकों का भी आविर्भाव हुआ, जिनमें दिग्नाग, वात्स्यायन व स्वामिन प्रमुख हैं। वात्स्यायन के कामसूत्र की रचना भी इसी युग में हुई। तो देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट अति लघुत्तरीय क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, इसमें गुप्त काल के दो महान सम्राटों के नाम लिखिए। तो देखिए, इसमें हो जाएंगे, देखिए पहला है समुद्रगुप्त और दूसरा है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल के दो साहित्यकारों के नाम लिखिए। गुप्त काल के दो साहित्यकारों के नाम लिखिए। तो देखिए, इसमें भी पहले हो जाएंगे कालिदास, फिर दूसरे देखिए हरिसेन। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाहयान कौन था, वह भारत क्यों आया था। फाहयान कौन था, वह भारत क्यों आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा, फाहयान एक चीनी यात्री था, वह बौद्ध धर्म के स्थलों का भ्रमण करने के लिए भारत आया था।
फाहियान चीनी यात्री था, वह बौद्ध धर्म के स्थलों का भ्रमण करने भारत आया था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त द्वारा विजित आर्यावर्त के राजाओं में से किन्हीं दो राजाओं के नाम लिखिए। तो देखिए पहला हो जाएगा रुद्रदेव और दूसरा हो जाएगा मतिल, रुद्रदेव और मतिल। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त संवत का प्रारंभ किसने और कब किया। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में जो है गुप्त संवत का प्रारंभ किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में गुप्त संवत का प्रारंभ किया था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की दो उपलब्धियां लिखिए। तो देखिए इसमें पहली उपलब्धि हो जाएगी शक क्षत्रपों का अंत, गढ़ राज्यों का विनाश। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास के दो ग्रंथों के नाम लिखिए। तो देखिए ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, 2016 में पूछा भी गया है। तो कालिदास के दो ग्रंथ देखिए, पहला ग्रंथ है रघुवंश महाकाव्य और दूसरा है अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंश महाकाव्य और दूसरा अभिज्ञान शकुंतलम। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता वर्तमान में किस राज्य में है, अजंता वर्तमान में किस राज्य में है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त ने किस झील का पुनर्निर्माण कराया था, स्कंदगुप्त ने किस झील का पुनर्निर्माण कराया था यानी कि दोबारा बनवाया था। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सुदर्शन झील। तो देखिए सुदर्शन झील का स्कंदगुप्त ने जो है पुनर्निर्माण करवाया था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हूणों का आक्रमण किस गुप्त सम्राट के समय में हुआ, हूणों का आक्रमण किस गुप्त सम्राट के समय में हुआ। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन चित्रकला के दो केंद्रों के नाम लिखिए। तो देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 में पूछा भी गया है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा मथुरा पहला, फिर दूसरा देखिए सारनाथ और पाटलिपुत्र। गुप्तकालीन चित्रकला के दो केंद्र कौन से हैं, देखिए मथुरा सारनाथ और पाटलिपुत्र। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है। तो देखिए भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, तो इसको आप लोग जरूर क्लियर कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से किसे जाना जाता है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से किसे जाना जाता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में भूमिकर को क्या कहते थे, गुप्त काल में भूमिकर को क्या कहते थे। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा गुप्त काल में भूमिकर को भाग कहते थे, गुप्त काल में भूमिकर को क्या कहते थे, भाग कहते थे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में मुक्त के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते थे। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, गुप्त काल में मुक्त के सर्वोच्च अधिकारी को राज्यपाल कहते थे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था, गुप्त काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि गुप्त काल में चीनी यात्री फाहियान भारत की यात्रा पर आया था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंशीय शासन की स्थापना कब हुई, गुप्त वंशीय शासन की स्थापना कब हुई। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, गुप्त वंशीय शासन की स्थापना 319 ईस्वी में हुई थी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ लेख का संबंध किस गुप्त शासक से है, इलाहाबाद स्तंभ लेख का संबंध किस गुप्त शासक से है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, इलाहाबाद स्तंभ लेख का संबंध गुप्त शासक समुद्रगुप्त से है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वराह मिहिर कौन था, वराह मिहिर कौन था, ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, 2016 में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, वराह मिहिर गुप्तकालीन महान गणितज्ञ और ज्योतिषाचार्य था,
वराह मिहिर गुप्तकालीन महान गणितज्ञ और ज्योतिषचार्य था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, गुप्त साम्राज्य का प्रथम स्वतंत्र शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देख लीजिए 2016 में पूछा भी गया है कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए। तो देखिए भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? हिंद यूनान इंडो यूनानी ने। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।